રાત્રે 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે। માલેગાંવ MIM નેતા અબ્દુલ શહેરના મેયર રહી ચૂક્યા છે। તેઓ MIM ના શહેર એકમના પ્રમુખ હતા। તો અબ્દુલ મલિક ગઈકાલે રાત્રે માલેગાંવ ચોક માર્કેટમાં અબ્દુલ ઉપર 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું। ઘટના બાદ હજારો MIM કાર્યકર્તાઓ રસ્તા ઉપર આવી ગયા હતા। પોલીસે ઘટનાસ્થળનું પંચનામું કર્યું અને વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજને સ્કેન કરી રહી છે। સૂત્રોનું માનીએ તો જે વિસ્તારમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું ત્યાં કોઈ સીસીટીવી નથી। કોણ છે આ 3 આરોપી? જો સૂત્રોનું માનીએ તો ગોળીબાર રાજકીય કે અંગત અદાવતના કારણે કરવામાં આવ્યો હતો, તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। હુમલાખોરને પકડવા માટે પોલીસે અનેક ટીમ બનાવી છે। માલેગાંવ કે હાલાત નાઇન અંડર કો લેકર કે ઇંતહાઈ ખતરનાક હોતે જા રહે હૈ। માઝી મેં ભી બાર બાર ફાયરિંગ હોતી રહી, લેકિન ફાયરિંગ કરને વાલે જો અસલ આરોપી હૈ ડિપાર્ટમેન્ટને ઉનકો અરેસ્ટ નહીં કિયા। પીછે ઇસરાઈલ ઇશ્યુ કે ઉપર હમલા હુઆ થા, उस हमले के अंदर जो है 4 लोगों को जमा किया गया, जिसमें 2 असल आरोपी फायरिंग करने वाले थे, उनकी जगह जो है बोगस लोगों को डाला गया। ये डिपार्टमेंट की मिली भगत से हो रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह की छूट न देती और इस तरह की जो सूरत हाल मालेगांव में बनती जा रही है कि हर 2-4 महीने के ऊपर फायरिंग होती है और फायरिंग करने वाला गिरफ्तार नहीं होता, लाइन अर्डर के जिम्मेदारान क्या सो रहे हैं? क्या जंगल राज है? आज अगर हमारे एक्स मेयर के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो शहर के अंदर तो किसी की भी जान माल महफूज नहीं, ऐसी सूरत हाल है। आज इस वक्त अब्दुल मालिक मेयर के ऊपर जो हमला हुआ है, ये तो बहुत करीब से फायरिंग की गई और फायरिंग करने वाले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने किसी तरह का कोई चेहरा वगैरह छुपाया नहीं, बल्कि डायरेक्ट आकर के 5-7 फीट के फासले से उन्होंने जो है फायरिंग की और 3 फायरिंग की, एक हाथ में लगी और एक पैर में लगी और एक जो है पसली में गोली लगी है। हालात अच्छी नहीं है। इन हालात के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ हॉस्पिटल में आकर के गर्दी किए हुए था। पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि वो बजाय हॉस्पिटल छोड़ करके आरोपियों को तलाश करना, उनको गिरफ्तार करने का काम करना चाहिए था। सारे जिम्मेदारान यहीं जमा थे और जो असल आरोपी है वो शहर के अंदर कहाँ है, शहर से निकल गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट उनको जाने का मौका दे रही है, ऐसा दिख करके आ रहा है। जो असल जिम्मेदारान है हॉस्पिटल में रह करके, क्या वो डॉक्टर हैं जो यहाँ आकर के वो काम कर रहे हैं? जो एक जिम्मेदार था, बाकी लोगों को अपने काम से लगना था और पूरे शहर की नाकाबंदी करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मालेगांव शहर के अंदर इस तरह की जो सूरत हाल हो रही है, हम डिपार्टमेंट से इंतहाई नाराज़ हैं और उनके लाइन अर्डर के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर होने की वजह से हम उसका निषेध करते और मजम्मत करते हैं। इस तरह की सूरत हाल ऐसा हो गया जैसे मालेगांव में जंगल राज है। किसी की जान, किसी का माल, इज्जत व आबरू महफूज नहीं है। इस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है और जो लोग गुनहगार हैं, बेखौफ हैं, उनको किसी तरह का डर और खौफ नहीं है। ये सूरत हाल है। आने वाले दिनों के अंदर हम होम मिनिस्ट्री में भी बात करेंगे, असेंबली होगी उसमें भी इस तरह यह आवाज़ हम उठाएंगे कि मालेगांव के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की गिरफ्त बहुत कमज़ोर हो गई है और इस तरह गुनहगारों के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल है। आगरा रोड के ऊपर अगर फायरिंग होती है तो शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं और किनारे का जो एरिया है, वो वहाँ के रहने वाले तो अपने आप को इंतहाई गैर महफूज समझेंगे। इसलिए मालेगांव की तरफ से हम इस मामले की जो है डिपार्टमेंट की मजम्मत और निषेध करते हैं और असल आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं सुबह तक, तो उस सिलसिले के अंदर क्या करना है हम शहर के जिम्मेदारों से मशवरा करने के बाद अगला प्रोग्राम तय करें। क्या ये सियासी रंजिश है या फिर अभी तो सूरत हाल क्या है कि यानी इंक्वायरी के बाद ही समझ में आएगी, लेकिन पिछले चंद दिनों से जिस तरह की आपस में जो है टॉकिंग हो रही थी, एक दूसरे से बातचीत हो रही थी, एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा था, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकल और सियासी मसला है और इसी मामले में उसको टारगेट किया गया। अभी कहाँ ले गए? नासिक ले करके गए हैं। 3 गोली लगी है, पसली में लगी है और एक जो है पैर में है। पैर 3 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और गोली जो है जोड़ के पास आकर के अटकी हुई है। एक गोली अंदर पसली के अंदर जा कर के अटकी हुई है और एक जो है यहाँ हाथ में लगने के बाद वो पास हो गई। डॉक्टरों से कुछ बातचीत तो आपकी हुई? डॉक्टरों से तो नहीं बात हुई, लेकिन जो लोग सीटी स्कैन कर रहे थे उन्होंने पूरी सूरत हाल बताई है। मामला गंभीर है।
ये अब्दुल मालिक जैसा जानदार आदमी था, तो वो मजबूत आदमी था, तो वो जो है हसास बसास बातचीत कर रहा है। हम तो ये चाहेंगे कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, हयाती दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन ये कि अगर मालिक जैसे जानदार शख्स के पैर में गोली लगी है और 3 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो और कोई होता तो पता नहीं उसकी क्या हालत होती।